हेलो दोस्तों, मेरे विषयनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, स्टूडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एनटीटी प्री प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन उन्होंने जारी किए हैं, जिसमें 1310 पदों पर भर्ती होनी है। तो बने रही स्टूडियो के साथ, और स्टूडियो का बंदा देखिए, हम आपको बताएंगे कौन से डेट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस आपको पे करनी होगी इस आवेदन को भरने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com, और ये पोस्ट है राजस्थान एनटीटी रिक्रूटमेंट 2018। हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com, वहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसमें जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जिसमें एनटीटी रिक्रूटमेंट 2018 का ये एडवर्टाइज नोटिफिकेशन आया है, जिसमें एनटीटी प्री प्राइम टीचर प्राइमरी टीचर के लिए इसमें आपके आवेदन कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो डेट है इसमें 29 सितंबर 2018 से लेकर आप 28 अक्टूबर 2018 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर 2018 है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी नोटिफिकेशन में नहीं आया है। टोटल सीट है जो 1310 रहेगी। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो उसके अंदर 10th क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से, और साथ में आपको 2 साल का नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट विच इज़ रिकग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और उसके बाद जो आपको नॉलेज होनी चाहिए राइटिंग इन हिंदी एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर की। इसके अंदर जो प्री प्राइमरी टीचर रहेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की जो TSP की जो पोस्ट हैं वो 310 हैं, और नॉन TSP की जो पोस्ट रहेगी वो 1000 हैं इसके अंदर। उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी वो जनरल कोटा एंड क्रीमी लेयर की 450 रुपये है, और राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपये, और राजस्थान SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। दोस्तों, एज की हम बात करें तो 18 से लेकर 40 साल की एज की अगर आपके हैं तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स की जो उसमें दिया हुआ है, एज़ पर स्टेट राइट इन्फॉर्मेशन द एज एग्जामेशन विल बी मैक्सिमम जस्ट 3 ईयर अकॉर्डिंग टू नंबर 7/6 पर्सनल डेट 23 सितंबर 2018। उसके बाद सैलरी जो उसमें दी जाएगी अकॉर्डिंग टू 7 CPC, जिसमें मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ई मित्रा द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो इसका नोटिफिकेशन आया दोस्तों रिक्रूटमेंट 2018, इस लिंक पर आपको क्लिक करके आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट का वहाँ पर आप पहुँच जाएँ, यहाँ से इसमें आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है इसको अच्छी तरीके से आप रीड कर लें दोस्तों, तभी अपना जो आवेदन है वो फिल करें। अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, जो कि 29 सितंबर 2018 को जारी हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा डायरेक्टली, जिससे आप क्लिक करके अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एडमिट कार्ड जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी अपडेट आएंगे इस भर्ती के बारे में तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।